साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने आयुर्वेद किचन लाइफ फॉर हेल्थ पे। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट सुनील स्वामी एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रह्म रसायन के बारे में जानकारी। ब्रह्म रसायन के घटक द्रव्यों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रह्म रसायन बनाया कैसे जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ब्रह्म रसायन के घटक द्रव्य के बारे में। दोस्तों, ब्रह्म रसायन बनाने के लिए हमें चाहिए 25 प्रकार की मूल, जिसमें सबसे पहला है व्रत पंचमूल। व्रत पंचमूल में ये है बिल्व, जो सबसे पहला जो हमारा क्वाथ द्रव्य है वो है, पहला है बिल्व दोस्तों, जिसे इसे शिवप्रिया भी बोलते हैं। इसकी जड़ अपने को काम में लेनी है। अगला जो हो द्रव्य वो है अग्निमंत। अग्निमंत की जड़ अपने को लेनी है। अगर आपके पास जड़ उपलब्ध नहीं है तो आप पंचांग भी काम में ले सकते हैं। अगला जो हमारा वो जो द्रव्य है वो है शोनाग। ये देखिए, ये आप जिसे देख पा रहे हो शोनाक है, ये अपने को लेना है मूल, अगर आपके पास उपलब्ध है तो मूल, वरना पंचांग। फिर अगला है पाटला, जिसे मुग्धरुति अतिवल्ला भी कहते हैं दोस्तों। ये पाटला है, आप देख पा रहे हो ये पाटला है। और पांचवी जो हमारी औषधि है वो है गंबारी, जिसे श्रीपणी, मधुपर्णिका, कासमारी, पित्रोहणी भी बोलते हैं। इसका जो वृक्ष होता है वो बहुत लंबा होता है, 60 फीट का होता है। ये हमारी व्रत पंचमूल होगी। अब है लघु पंचमूल की बारी। तो लघु पंचमूल में ये जो पहली जो मूल है हमारी वो है सालपर्णी, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये इसका पंचांग हमने काम में लिया है, ये है सालपर्णी। अगली जो औषधि है वो है पृष्ठपर्णी, जिसे अंशुमति, सरीवन आदि भी बोलते हैं। ये एक छूप पाया जाता है, जो एक छोटा छूप होता है। फिर हमारे पास आती है छोटी कटोरी और बड़ी कटोरी। दोस्तों, छोटी कटोरी और ज़्यादा बड़ी कटोरी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसकी जो पुष्प होते हैं वो नीले होते हैं छोटी कटोरी के, और इसमें कांटे पाए जाते हैं। ये बड़ी कटोरी जिस जो आप देख पा रहे हो, इसके पुष्प होते हैं वो पीले होते हैं। अगला जो हमारा अंतिम है वो है गोखरू। वही पंचांग अपने को काम में लेना, अगर मूल हो तो मूल, वरना पंचांग अपने को काम में लेना है। तो दोस्तों, ये हो गए अपने लघु पंचमूल और व्रत पंचमूल। अब अपने पास है तृण पंचमूल, यानी 10 औषधियाँ वो हो गई। अब पांच ये औषधियाँ है तृण पंचमूल की, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहली जो हमारी द्रव है वो है नरकुश, जिसे सरकणा भी बोलते हैं दोस्तों। ये रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। यह संपूर्ण भारत में पाए जाने वाली औषधि है। इसका काम मुख्यतः झाड़ू बनाने में या मूंज बनाने में काम आता है। अगली जो औषधि है वो है सुगर केन, जिसे गन्ने की जड़ भी बोलते हैं। ये गन्ने की जड़ अपने को काम में लेनी है, जो सामान्यतः पानी वाले क्षेत्र में मिल जाती है। अगली जो हमारी औषधि है वो है कुस, जिसे डाब भी बोलते हैं। डाब का नाम शायद आपने कई जगह सुना होगा। अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो इसको पानी में डाला जाता है, ये वही डाब है। ये सरकणा से थोड़ी छोटी होती है, तो ये है कास दोस्तों। ये कास है, ये क्रूस और सरकणा के बीच की लंबाई की होती है, जिसे आप देख पा रहे हो। ये कास ये भी रेगिस्तान में पाया जाता है। और जो अंतिम तृण पंचमूल में जो अंतिम है वो है धान की जड़, जिसे चावल की जड़ भी बोल सकते हैं अपन। ये अपने को काम में लेनी है। तो ये दोस्तों, ये तृण पंचमूल की पांच मूल हमारे पास हो गई। तो ऐसा मिला करके अपने पास 10 मूल और तृण पंचमूल, यानी 15 ये मूल हो गई है। अब उसके बाद में आगे हम बात करेंगे, वो है वल्ली पंचमूल, जिसे बल्ला पंचमूल भी अपन बोलते हैं। पांच मूल इसमें होगी। तो आइए इसके एक एक मूल के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहली जो हमारी औषधि वो वल्ली पंचमूल में या बल्ला पंचमूल में जो पहली सबसे पहली हमारी मूल है वो है पुनर्नवा मूल।
दोस्तों ये पुनर्नवा है, ये सफ़ेद और लाल प्रकार का होता है। जो भी आपको मिले दोनों में से वो लीजिए। ये शोथ को हटता है, रक्त की वृद्धि करता है। अगला जो द्रव्य है वल्ली पंचमुली, वो है मूत्रपर्णी, जिसे जंगली मूंग भी बोलते हैं। दोस्तों अगला है वो है मांसपर्णी, यह मोठ का एक जंगली रूप होता है। यह है मांसपर्णी, इसकी मूल या पंचांग जो भी आपको उपलब्ध हो वो लेना है। अगली औषधि वो है खरेटी, जिसे बल्ला भी अपन बोलते हैं। इसका भी पंचांग या मूल जो भी आपको उपलब्ध हो वो आप ले सकते हो। क्वाथ अपने को तैयार करना रहता है। बल्ला पंचमूल में जो अंतिम है वो है एरंड मूल, उसकी जड़ अपने को काम में लेनी है। तो दोस्तों ये वली पंचमूल में पांच हो गए, पुनर्नवा मूल, मुग्धपर्णी, मांसपर्णी, खरेंटी और एरंड मूल। ये पांचों, जैसे आप देख पा रहे हो, ये पांचों मूल अपने को काम में लेनी है। अगली है वो जीवनीय पंचमूल है। दोस्तों ऊपर जो मैंने आपको बताया वो 20 प्रकार की मूल हो गई, ये पांच प्रकार की जीवनीय पंचमूल, जिसमें जीवक सबसे पहली है। जीवक चूंकि ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, अब तो इसका जो प्रतिनिधि द्रव्य अपने को लेना है विदारिकंद। जीवक, जीवक का प्रतिनिधि द्रव्य विदारिकंद। ऋष्वक का प्रतिनिधि द्रव्य हुआ है अश्वगंधा। तीसरी जो हमारी है वो मैदा, मैदा का अपने को प्रतिनिधि द्रव्य वो है वराही कंद। चौथा जो वो है द्रव्य वो है जीवंती, ये सामान्यतः अपने को मिल जाती है, तो आप जीवंती ही काम में लीजिए, इसका प्रतिनिधि द्रव्य लेने की जरूरत नहीं है। पांचवा जो हमारा जीवनीय पंचमूल में पांचवी जो हमारी औषधि है वो है सतावरी। ये सफ़ेद और पीले प्रकार दोनों प्रकार की होती है, आप चाहो वैसे ले सकते हो, पर सतावरी ज़्यादा बेस्ट रहती है, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो दोस्तों ये 25 प्रकार की मूलें हो गई, जिसको अपने को एक पल मात्र यानी 40 48 ग्राम अपने को लेना है। इसे 10 गुना पानी डालना है और जब एक चौथाई भाग शेष रह जाए तो ये अपना क्वाथ तैयार हो जाएगा। तो इनका तो 25 प्रकार की जो मूल है उनका तो अपने को क्वाथ काम में लेना है। जैसा आप देख पा रहे हो ये 15 प्रकार की है, उसके अलावा 10 मूल हो गई। उसके जो मुख्य घटक द्रव्य है ब्रह्म रसायन की वो है हरित की, हरड़ और आंवला। तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जो हरड़ की जो मात्रा बताई है, हरड़ अपने को ताज़ा लेनी है, पेड़ से थोड़ी जो कच्ची हरड़ होती है वो अपने को काम में लेनी है। इसकी मात्रा है 1.5 किलो, अपने को सोनक बताए गए हैं। जो अच्छे ताज़ा जो हरड़ हो वो अपने को काम में लेनी है, तो इसकी 1.5 किलो इसकी मात्रा हो गई। और अपने को जो आंवले लेने हैं जो इस समय बाजार में आ रहे हैं, वो अपने को शुद्ध अच्छे ताज़ा आंवले लेने हैं 5 किलो, जो कि 300 नग बताए हैं। यानी जो आंवला है वो आचार्यों ने 300 नग बताया है और हरड़ वो बताए हैं 100 नग। तो इसकी जो वजन अपन निकालते हैं, तो 1.5 किलो अपने को ताज़ा हरड़ लेनी है और आंवला अपने को 5 किलो लेना है। इससे अपना 10 किलो ब्रह्म रसायन तैयार हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अपने को जो इसके जो प्रक्षेप द्रव्य होते हैं, जब अपनी पिष्टी सिक जाएगी उसके बाद में इसमें जो प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं, तो दोस्तों 14 प्रकार के प्रक्षेप द्रव्य इसमें डलते हैं ब्रह्म रसायन में। तो आइए इनका आपको परिचय कराते हैं और एक एक करके इन औषधियों का परिचय कराते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों पहला जो हमारा वो द्रव्य वो है ब्राह्मी, जिसे मंडूक पर्णी भी अपन बोलते हैं, जैसा आप देख पा रहे हो। अगली जो औषधि वो है छोटी पिपली, जिसे कड़ापन बोलते हैं। यह स्वादिष्ट होती है, पाचन करती है। ये है शंख पुष्पी, दिमाग के लिए अच्छा काम करती है। यह है मुस्तक, जिसे मोता अपन बोलते हैं। अगली हमारी औषधि है वो है नागरमोता, ये हमने पाउडर फॉर्म में कर लिया है पहले से ही। छठी जो औषधि है वो है वायुविडंग, ये काली मिर्च की तरह दिखती है पर लेकिन इसका जो रंग वो थोड़ा हल्का सा भूरा होता है, साइज में काली मिर्च जैसी दिखती है। अगली जो सातवीं नंबर की है वो है श्वेत चंदन। आठवें नंबर की है अगर की लकड़ी, ये थोड़ी हार्ड होती है, कूटने में थोड़ा परिश्रम लगता है। नवी जो औषधि है वो मुलेठी, जिसको आप मधुष्टि भी बोलते हो, इसे आप जानते हो। ये है हल्दी, ये सामान्यतः अपने किचन में मिल जाती है। ये है वचा, वचा अपने को लेनी है। बारहवीं जो औषधि है वो है नाकेसर,
ना कि सिर्फ अपने काम में लेना है। 13वां है इलायची और 14 है दालचीनी। दोस्तों सबकी इन सब की मात्रा यानी एक एक प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा गुदने से 20 ग्राम अपने को लेनी है। ये 14 प्रकार के जो प्रक्षेप द्रव्य है वो अपने को कूट पीस करके अपने को मिलाने हैं। दोस्तों पिष्टी की सिकाई के लिए अपने को गाय का घी चाहिएगा 900 ग्राम और तिल का तेल अपने को चाहिएगा 600 ग्राम। ये दोनों अपने को चाहिए। और शहद की मात्रा आचार्यों ने मतलब गाय और तिल के बराबर न मान करके इन दोनों का आधा यानी कि लगभग 750 ग्राम अपने को शहद लेना है। और मिश्री अपने को चाशनी बनाने के लिए मिश्री काम में लेंगे तो वो अपने को लेना है 5 किलो 280 ग्राम। तो दोस्तों ये सभी प्रकार के प्रक्षेप द्रव्य थे। पूरा वीडियो बनाने का देखने के लिए अगला वीडियो देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।